चुनाव ऐलान के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच शक्ति को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। ये जुबानी जंग आपको सुनाएं, उससे पहले ये बता दें कि दक्षिण भारत पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इस बार ज्यादा फोकस क्यों है। दक्षिण भारत इस बार चुनाव का सबसे निर्णायक युद्ध स्थल बना हुआ है। निर्णायक इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि कमजोर कांग्रेस साउथ इंडिया में ही कमबैक कर सकती है, और अगर मोदी के रिकॉर्ड को रोकना है तो कांग्रेस को ऐसा चमत्कार करना होगा, यानी भारत में कम से कम 100 सीट लानी होंगी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को लगता है कि लगातार 10 साल से सत्ता में बनी उनकी पार्टी को अगर अखिल भारतीय दल का दर्जा पाना है तो दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन को बहुत सुधारना पड़ेगा। अगर उन्हें 50% वोट बैंक का टारगेट हासिल करना है तो दक्षिण भारत में अपने प्रदर्शन को ठीक करना होगा, बेहतर करना होगा। अगर उन्हें 4 जून को 400 प्लस के नारे का सच दिखाना है, सच करना है, तो दक्षिण भारत में प्रदर्शन ठीक किए बिना ऐसा हो नहीं सकता। और अगर उन्हें इस नैरेटिव पर मोहर लगानी है कि मोदी तो जीत के 100 दिन बाद की तैयारी करने लगे हैं, तो फिर दक्षिण में पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच शुरू हुई वो बयानबाजी सुनवाता हूं जिसे शक्ति वाले बयान से बाद, यानी उसे जोड़ने के बाद तूल पकड़ रहा है ये मामला। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। करण पूछते पूछते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं। उसी शक्ति की वजह से, ईवीएम की शक्ति, ईडी, सीबीआई की वजह से लोग डर के बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और ये 400 पार का दावा भी ठोक रहे हैं उसी का। इनको ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति। तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ही चलने वाली है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिससे आपको दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सक्रियता का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दक्षिण में पूरा जोर लगा रखा है। पीएम मोदी साल की शुरुआत से ही दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर मोदी दक्षिण के राज्यों में राम वन गमन पथ वाले क्षेत्रों में गए, तमिलनाडु और केरल के मंदिरों में दर्शना और पूजा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल कन्याकुमारी से ही शुरू हुई थी, दक्षिण भारत में तमाम राज्यों से होकर भी गुजरी थी, सब आपको याद होगा। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आपको दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता का अंदाजा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले और चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2024 का 78वां दिन है। इन 78 दिनों में मोदी 15 दिन दक्षिण में, अलग अलग राज्यों में, साउथ में 26 जगह पर मोदी ने दौरा किया। अंदाजा लगाइया सबसे ज्यादा कहां गए। 9 दौरे तमिलनाडु के किए, केरल में 5 दौरे किए और तेलंगाना में भी 5 दौरे किए। 2 बार लक्षद्वीप, 2 बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 बार दौरा किया। हालांकि अब तक एक बार भी पुडुचेरी और अंडमान निकोबार नहीं गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी एक ही दिन में 2 से 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पूरी ताकत लगा रखी है।
आज भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर, कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। दक्षिण में इस बार नरेंद्र मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। बीजेपी के इस टारगेट में सबसे बड़ी बाधा है दक्षिण भारत। 2019 के नतीजे देखकर आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी दक्षिण भारत में क्यों इतनी जोर आजमाइश कर रही है। 2019 के दक्षिण भारत की 132 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 29 ही आई। बीजेपी को आंध्र प्रदेश की 25 में से एक भी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ 0.97% वोट मिले थे। लेकिन कर्नाटक की 28 में से 25 सीट जीतकर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और 51.75% वोट शेयर पर भी अपना कब्जा किया था। केरल की 20 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन वोट शेयर कितना था? 13%। पुडुचेरी में सिर्फ एक सीट है जिस पर हार हुई थी बीजेपी की। तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली थी, सिर्फ 3.62% वोट तेलंगाना की अब 17 में से 4 सीटें जीती। वहां 19.65% वोट हासिल करके बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। अंडमान की एक सीट 45.61% वोट से लेकिन जीत नहीं मिली। लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर ना जीत मिली ना वोट शेयर में कोई सुधार हो पाया। 2024 में बीजेपी साउथ में अपनी इसी परफॉर्मेंस को सुधारना चाहती है। प्रचार की बागडोर खुद पीएम मोदी ने संभाल रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में प्रदर्शन सुधारे बिना ना तो मोदी का 400 वाला लक्ष्य हासिल होगा और ना ही बीजेपी का अखिल भारतीय पार्टी होने का सपना पूरा होगा। खैर, मोदी बार बार कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार, लेकिन 400 सीट जीतने का मतलब क्या होता है और इसमें दक्षिण भारत की सीट का क्या महत्व है? इस जानकारी लेना और इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। लोकसभा में 400 से ज्यादा सीट जीतने का कमाल सिर्फ अब तक कांग्रेस ने ही किया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने 414 सीटें जीती थी, आपको याद भी होगा। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस ने दक्षिण भारत की 112 सीटों पर चुनाव लड़ा और 71 सीटें जीत ली। उनका स्ट्राइक रेट था 63%। हालांकि आंध्र प्रदेश की 42 में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हुई, लेकिन तमिलनाडु की 26 में से 25 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 24, केरल की सभी 13 सीट, अंडमान निकोबार की एक सीट, लक्षद्वीप की एक सीट और पुडुचेरी की एक सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। 1984 में राजीव गांधी ने यह कर दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में वैसा ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये एक तरह उसको रोल मॉडल मानकर चल रहे हैं उस इलेक्शन को। लेकिन 40 साल की राजनीति भी बदल चुकी है अब, और सियासी हालात क्या हैं? कांग्रेस के सिमटने के बावजूद बीजेपी की राहें आसान नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। वो ज्यादा सीटें जीत जाते हैं और इससे राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान होता है। अब मैं आपको दक्षिण भारत की वो सीट बताता हूं जहां बीजेपी को बहुत उम्मीद है। 2019 में बीजेपी ने तमिलनाडु की 5 लोकसभा सीटों, कोयंबटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, तूतीकुड़ी और कन्याकुमारी पर चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी 1998 और 1999 में कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी सीट जीत चुकी है। पिछले चुनाव बीजेपी ने AIDMK के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार बीजेपी अब तक तमिलनाडु में अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार तमिलनाडु में बीजेपी के पास प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जैसा बड़ा नाम है, जो तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद भी है।
2019 में बीजेपी को केरल से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 2,00,000 से ज्यादा वोट जरूर हासिल किए। केरल की तिरुवनंतपुरम, पथानम थिट्टा, त्रिशूर, अंतिगल और पलक्कड़ लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को सफलता की उम्मीद है। मोदी को उम्मीदें आंध्र प्रदेश से भी हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी पहले भी जीत दर्ज कर चुकी है, इसलिए लग रहा है कि वहां शायद और सुधार हो जाए। 2099 और 2014 के नरसापुरम और 1998 और 99 में राजमुंद्री, 2014 में विशाखापट्टनम, 1999 में तिरुपति और 1998 में काकीनाडा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार तेलुगुदेशम और जनसेना पार्टी एनडीए में आ चुकी हैं, मतलब माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में इससे मजबूती मिली है बीजेपी को, और गठबंधन में बीजेपी को आंध्र की 6 सीटें मिली भी हैं, जिसे जीतने पर पूरी पार्टी फोकस कर रही है कि इन्हें हर हाल में जीतना ही जीतना है। चार जून को 400 वाले नारे के लिए दक्षिण भारत का महत्व मैंने आपको समझाया भी, और उम्मीद है कि आपको विस्तार से समझ भी आया होगा। मकसद यह है कि वोटर के पास फैक्ट की कसौटी होनी चाहिए, जिसमें वो नेताओं के दावों को कसे और फिर उस पर विश्वास करे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।